निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की जय श्री माता जी। दोनों हाथ मां के सामने, हृदय में श्री माता जी के श्री चरण कमलों को देखते हुए श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारे इस हृदय को और स्वच्छ कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ के श्री चरण कमलों को सेंटर हृदय में देखते रहेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्त कीजिए। श्रद्धा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु, श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे बारी बारी 10 अंगुलियों को देखेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों में आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार, श्री माता जी कृपा करके हमें बुद्धि और विवेक दीजिए ताकि हम स्वयं को सुधार सकें। राइट मूलाधार पे श्री माता जी आप निश्चित ही राक्षस हंत्री हैं। हमारे अंदर के समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कर दीजिए। संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार, श्री माता जी, जो श्री गणेश जी का भक्ति समर्पण वही हमें भी प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमारे दाहिने मूलाधार में श्री महाकार्तिकीय शक्ति जागृत कर दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट स्वाधिष्ठान राइट नाभि राइट हृदय राइट विशुद्धि राइट आज्ञा सहस्त्रार श्री माता जी, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके ऐसी कृपा कर दीजिए। श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। हम जब सत्य की बात कहते हैं तो ये पहले ही जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अटल और अटूट है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम अपने दिमाग से परिवर्तित नहीं कर सकते और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना में इस मानव चेतना से हम जान भी नहीं सकते कि सत्य क्या है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, इतने सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, हमारा हृदय स्पंदित होता है, ये सारी जीवित क्रिया कैसे होती है हम कभी विचार भी नहीं करते। ये हमारी आंख है, देखिए कितना सुंदर कैमरा है, हम कभी विचार भी नहीं करते कि ये इतना सुंदर कैमरा, इतना बारीक, इतना नाजुक किसने बनाया और कैसे बनाया। हम तो इसको मान लेते हैं कि बस है हमारी आंख है, लेकिन ये आपके पास आई कैसे, इसके बनाने वाली कौन सी शक्ति है। यही शक्ति है जिसे कि पातंजलि योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है और उसे परम चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य रूप और ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। ये सब उसी एक शक्ति के नाम, वही जीवंत शक्ति सब कार्य करती है, उसी ने हमें अमीबा से इंसान बना दिया। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि अगर इंसान मनाना ही आखिरी कार्य था तो इंसान तो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत खोट है, अभी बहुत कमियां हैं, बहुत समझ में कमी है, ज्ञान में भी कमी है, एक दूसरे को पहचानने की भी हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं। इसी से हम लड़ झगड़ते रहते हैं। सारी संसार की अशांति इसीलिए है कि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, क्योंकि सत्य एकमेव है, एब्सोल्यूट है। एक बार सत्य को जानने के बाद सब लोग एक ही जैसी भाषा बोलने लग जाते हैं। देखिए, संतों में कभी झगड़ा नहीं होता था। नामदेव का आपने नाम सुना होगा, वो एक दर्जी थे और वो एक दिन गोरा कुम्हार को मिलने गए। वो एक कुम्हार था और अपने पैर से वो मिट्टी रौंद रहा था। उसको देखते ही नामदेव ने कहा, मराठी में कहा है कि निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी। मैं तो निर्गुण की भेंट करने आया था, तो वो तो तुम्हारे अंदर सगुण है। ऐसी भाषा सिर्फ संत ही संतों से कर सकते। इंसान तो आपस में लड़ते ही रहते, एक दूसरों का बुराई सोचते रहते, एक दूसरों को दुखी देते रहते। और अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसको सता सता के मार डालते। सो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी भारी न्यूनता है, खोट है, वो क्यों है? अगर परमात्मा एक है और उन्होंने सबको इंसान बनाया है, तो ये बात क्यों है? इसका कारण है परमात्मा ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे दी कि तुम्हें जो करना है करो, चाहे तुम बुरे कर्म करो और चाहे अच्छे कर्म करो, उसके फल भोगो और उससे तुम समझ जाओगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई आदमी कहेगा किसमें क्या बुरा है कि आप किसी का खून करो, फिर आप जेल में जाओ। कोई कहेगा शराब के पीने में क्या बुराई है, फिर आप बीमार हो जाओ। कोई सा भी गलत काम करने से उसका परिणाम यहीं पे भोगना पड़ जाता है। और अगर यहां नहीं भोगना पड़ा तो रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। मनुष्य मचलता ही रहेगा जब वो गलत काम करेगा। किसी को दुष्ट वचन कहने से ही मनुष्य का जी अंदर से खराब जाता है कि मैंने क्यों कहा। इसका मतलब है कि परमात्मा ने उसके अंदर सत विवेक बुद्धि दे दी है कि वो समझ ले कि बुरा काम है, तो भी वो बुरा काम करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते माँ हमसे छूटना चाहते हैं ड्रग्स, लेकिन हमसे छूटता नहीं, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है कि जो बुरी चीज है उसे हम छोड़ दें। ये जो हमारे अंदर एक दोष है कि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जिसे हम आदर्श समझते हैं, वो हम कर नहीं पाते। उसका कारण यह है कि अभी हमें थोड़ा सा और परिवर्तित होकर के आत्मा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वही शुद्ध है, आत्मा जो है वही सर्वव्यापी है, और आत्मा जो है वही सारा ज्ञान का सागर है। आत्मा से ही आनंद उद्भवता है। सुख और दुख तो अहंकार की प्रणाली है। आज सुख हुआ तो कल दुख, कल दुख हुआ तो आज सुख। लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है कि वो एकमेव आनंद मात्र, उसमें सुख और दुख ऐसे एक रुपया में जैसे दो बाजू होती वैसी नहीं होती। एकमेव चीज जो है वो है आनंद। और उस आनंद के सागर में तभी आप डूब सकते हैं जब आप आत्मा स्वरूप हो जाए। बड़े बड़े हमारे यहाँ साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बड़े बड़े खोज की, बहुत बहुत खोज हुई, उस खोज में बहुत सी चीजें पता लगाई, अंत में बनाया क्या तो एटम बॉम्ब, जिससे सभी खत्म हो जाए, एक कर बटन दबा दीजिए सारी दुनिया ही उड़ जाए। ये कोई अकल की बात है? ये कोई समझ की बात है? ये कोई विजडम की बात है? लेकिन बनाए, अंत में जाके पहुंचती चीज वही है जहां सर्वनाश हो। कुछ भी चीज बनाते हैं, अंत में वो सर्वनाश की ओर जाता है। लेकिन जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो आप में सामूहिकता आ जाती है। माने ये कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होकर के और ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती। इस कुंडलिनी में जैसे इस यंत्र में ये एक कनेक्शन है, इसको लगाए बगैर ये यंत्र पूरी तरह से चल नहीं सकता। उसी प्रकार ये कनेक्शन लगाए बगैर मनुष्य का कोई अर्थ ही निकलता नहीं। जब ये कनेक्शन लग जाता है तब कितनी बातें हो सकती हैं उसे सोचिए। एक तो ये कुंडलिनी जो है ये शुद्ध इच्छा है, बाकी जितनी भी इच्छाएं अशुद्ध है। आज मन किया कि चलो हम एक जमीन खरीद लें, फिर एक घर बांध लें, फिर हम एक मोटर खरीद लें, मन तृप्त ही नहीं होता। जिस चीज के लिए दौड़ते हैं, जिसको पाने के लिए मेहनत करते हो, जब सामने आके खड़ी हुई लगे दूसरी चीज में, उसका आनंद ही नहीं उठाया, दूसरी चीज में लग जाते। क्योंकि ये सारी इच्छाएं शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। शुद्ध इच्छा हमारे अंदर, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, एक ही है। इसके बारे में आप जानिए चाहे नहीं जानिए, उसके लिए आप सतर्क हो या न हो, एक ही इच्छा आपके अंदर है कि हमारी एकाकारिता इस शक्ति के साथ हो जाए। और ये शक्ति परमात्मा के प्रेम की शक्ति। सो ये सोचती भी है, ये सब चीजों को बनाती है, सबको इकट्ठा लाती है, सबको कोऑर्डिनेट करती है, समग्र करती है। और सबसे अधिक तो ये प्यार करती है। तो जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है और जब ये 6 चक्रों में से षट चक्र छेदन ऐसा कहा गया है शास्त्र गुजरती है और ब्रह्मरंध्र को भेद देती है तो कितने कार्य हो जाते हैं एक साथ, वो आश्चर्यजनक है। अभी आप लोगों सामने ये परदेश के लोग आए हैं, करीबन सभी शराब पीते थे। वहां शराब न पीना माने लोग समझते नहीं कि आप शराब नहीं पीते माने आप पागल तो नहीं। उनके यहाँ तो शराब पीना माने ऐसा है जैसे पानी पीने जैसा। सभी लोग शराब पीते थे, बहुत से लोग इनमें से ड्रग्स लेते थे, बहुत से लोगों को अनेक बीमारियां भी थी। यह आश्चर्य की बात है कि जिस दिन कुंडलिनी का जागरण हो गया, हठात सब छोड़ के खड़े हो गए, सब कुछ छूट गया और इतने सुंदर हो गए। आप जानते हैं पहले जमाने में जब यहाँ अंग्रेज थे, उनको एक भी अक्षर हिंदी का सिखाना मुश्किल था, एक वाक्य उनको समझाना मुश्किल। अगर उनसे कहना दरवाजा खोल दे तो कहना पड़ता था ऐसा कहो देर वॉज अ कोल्ड डे, ये तो उनकी खोपड़ी में नहीं घुसती थी हिंदी भाषा। बहुत कठिन लोग थे वो लोग। संस्कृत में आदि शंकराचार्य के सारे मंत्र बोल रहे हैं, अपने बच्चे नहीं बोल सकते। ये कहां से हुआ? आपके कुचिपुड़ी नृत्य हुआ, फिर उसके बाद में आपका संगीत, साउथ इंडिया का संगीत तो नॉर्थ इंडिया वाले नहीं समझते, नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया वाले नहीं समझते, ये लोग दोनों ही संगीत में मजा उठा रहे हैं। ऐसी विश्वव्यापी शक्ति इनके अंदर आ गई है जो सारे विश्व का मिलन साध्य कर रही है, क्योंकि इनके सारे ही चक्र जागृत हो गए। इन चक्रों से ही हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य होता है। वो सारे के सारे चक्रों को कुंडलिनी जागृत करके और प्लावित करती है, नरिश करती है, और उस शक्ति के कारण हम लोग एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। और अव्याहत जब ये शक्ति ऊपर से नीचे चलती, पूरे समय जब इस शक्ति का हमारे अंतर आंदोलन होते रहता है, तब फिर थकने की कौन सी बात, तब बीमार पड़ने की कौन सी बात, क्योंकि जब यही चक्र जो है, मूलतः यही चक्र अगर हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और अगर यही चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाए तो हमारे आगे प्रश्न क्या रहे? फिर प्रश्न हो जाता है कि औरों को कैसे ऐसा किया जाए, हमें तो सब कुछ मिल गया, अब हम दूसरों को कैसे दें? अब ये कितने कितने दूर देशों से आए हैं, हैदराबाद के लोगों से मिले। ये सर्वव्यापी प्रकृति जो है वो अंदर जागृत हो जाती है, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। तो जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब वो हमारे तालु में छेदन करती है, तो ये स्थान सदाशिव का, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे हृदय में, आत्मा स्वरूप हृदय में, क्योंकि ये सदाशिव के चरण, जिसे कि हम गॉड ऑलमाइटी कह सकते हैं, ये कुंडलिनी छू लेती है, तो आत्मा जागृत हो करके, आत्मा वैसे तो जागृत है ही, किंतु हमारे चित्त में नहीं, वो हमारे चित्त में आ जाता है। चित्त प्रकाशित हो जाने से अंधेरे में मनुष्य कैसे भी चलता है, कैसे भी रहता है, उस प्रकाश में वो समर्थ हो जाता है, और उस प्रकाश में सब चीजें अपने आप छूट जाती। समझ लीजिए आप एक अपने हाथ में सांप लेके खड़े, और अंधेरा, किसी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ो, तो जिद्दी आदमी कहेगा कि नहीं, ये सांप नहीं है, तो डोर है। अरे भाई, सांप है, छोड़ दो। नहीं, डोरी। जैसे ही लाइट आ जाएगी फट से छोड़ देगा ना, उसको कुछ बताना तो नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जितनी हमारे शत्रु हैं, ये ऐसे भाग जाते, उनका अंत ही हो जाता है। अब सब लोग ये कहते हैं कि माँ, ये कुंडलिनी का जागरण तो बड़ा कठिन होता था। अरे भाई, हजारों वर्ष पहले की बात। कब वृक्ष बहुत बढ़ गया है बाहर, आपका समाज बढ़ गया, आपके लोग बढ़ गए हैं, सारा सिविलाइजेशन बढ़ गया, तो क्या इसकी जड़ें नहीं बढ़ेंगी? इसकी जड़ें भी बढ़ गई, और जड़ें बढ़ करके इसका स्रोत बढ़ गया। स्रोत से ही ये ज्ञान आया है, और इस ज्ञान से ही ये जो आपका सृष्टि का जो कुछ भी विकास हुआ है, वो नरिश हो जाएगा, वो प्लावित हो जाएगा। नहीं तो सब जगह यही कह रहे हैं कि अब तो डिस्ट्रक्शन आने वाला है। ये डराने की भी बात है, डिस्ट्रक्शन आ नहीं सकता। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, वो इसको कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, कितना भी इंसान मूर्खता करे। इसीलिए सहज का प्रादुर्भाव जो हुआ है, वो ये है कि इसके प्रादुर्भाव से ये नष्ट होने वाला समाज, ये नष्ट होने वाली व्यक्ति, ये नष्ट होने वाले देश और ये नष्ट होने वाला विश्व सारा संभल जाएगा, और एक नए तरह के लोग जागरूक होंगे, जिन्हें कि हम संत कहते हैं। पर संत का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। कुछ भागने की जरूरत नहीं। आप अपने ही अंदर संत हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, पर तबीयत ठीक होना ही सब कुछ नहीं है। अगर तबीयत ठीक भी हो गई तो आगे क्या, शांति तो नहीं मिली, आशीर्वाद तो नहीं मिला, ये सारी ही चीजें संपूर्णतया टोटैलिटी में आपको मिल जाती और आप इसके अधिकारी हैं। ये सोचना कि इतनी कठिन बात इतनी सरल कैसे, मैं एक मिसाल के तौर पे बताती हूँ। घर समझ लीजिए एक टेलीविजन का आप सेट ले जाएं किसी गांव में जिन्होंने कभी बिजली भी नहीं दी और उनसे कहें कि साहब इसके अंदर सारे दुनिया के चित्र आएंगे, तो लोग कहेंगे क्यों बेकार बातें करते, डब्बे में कहाँ से आएंगे ऐसे सबके चित्र। लेकिन जब उसको मेंस में आप लगा देंगे तो वो कितना अभिनव है, कितना सुंदर है, कितना गौरवपूर्ण है, ये दिखाई देगा कि नहीं। इसी प्रकार आप भी इंसान जो बने हैं बिल्कुल उच्चतर स्थिति में है, उत्तम स्थिति में। अब बस थोड़ा सा ही प्रवास और है जहां पर कि आपका कुंडलिनी का जागरण करना है और आपको वो स्थिति देनी है जिसे हम कहते हैं कि आत्मबोध। आत्मा का बोध होते ही न कि आप अपने ही बारे में जानते हैं पर दूसरों के बारे में भी जान जाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही हाथ में, और सर में से भी लगेगा ठंडी हवा आ रही तालू में से। यही जो आपको हाथ में लग रहा है पहला अनुभव, पहली मर्तबा आप इस परम चैतन्य को जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका आपको ज्ञान हो रहा है। इससे पहले आपने इसे जाना नहीं था। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है जिसमें आप निर्विकल्प हो जाते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं आपको आश्चर्य होता है, आप अपने हाथ से कुंडलिनी दूसरों को जगा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं और आनंद में मगन है। धीरे धीरे बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप में कोई विकल्प नहीं रह जाता, कोई शंका नहीं रह जाती, आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं बहुत आसानी से। और उसके बाद आप लोगों को देने लगते हैं। पहले जब तक दीप में प्रकाश नहीं होता उसे जलाया जाता है, और जब दीप में प्रकाश आ जाता है तो फिर वो सबको प्रकाश देता है। एक दीप से अनेक दीप जल सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है। पता नहीं इन लोगों ने बताया कि नहीं कि रशिया जैसी जगह जहां उन्होंने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना हुआ, वहां पर एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते हैं और एक एक गांव में कहीं कहीं 22 हजार लोग सहयोगी हैं पक्के पहुंचे। सो ये देश अपना जो संतों की भूमि, जो योग भूमि है, जहां पर लोग इतना धर्म का कार्य कर गए। ये लोग तो सोचते हैं आप लोग महाभाग जो ऐसी महान देश में आप पैदा हुए, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारे क्या भाग्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सारा संसार आपके चरणों में आ सकता है, लेकिन पहले अपनी शक्ति को समझिए। जब तक आपने शक्ति को समझा नहीं तब तक आपकी कोई विशेषता नहीं। बेकार चीजों में उन लोगों से आपको कुछ भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, कोई सी भी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए, सारा संसार भारतवर्ष को जानेगा कि बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्तर का ये एक देश है और सारा संसार यहाँ आपके पास आएगा। आज ही आए हुए इतने लोग, इनको क्या जरूरत थी अपने अच्छे अच्छे घर छोड़ करके यहाँ अपने देश में घूम रहे हैं और इनको कुछ महसूस भी नहीं होता। मैंने कहा आपको कोई यहाँ तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं माँ, यहाँ तो आत्मा में बड़ा ही आराम है। इतना आत्मा का आराम तो हमको अपने देश में नहीं मिलता। यहाँ लोग कितने अच्छे हैं और ये जाना ही नहीं चाहते। अपने देश की महत्ता हमने कभी किसी को बताई नहीं और जतलाया नहीं कि हम लोग क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हैदराबाद में जहाँ पर कि अनेक लोगों का संगम हुआ है, काफी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर हैं और ये सब एक मिला जुला यहाँ का समाज है। इस समाज में दिमाग भी लोगों के खुल जाते हैं। तो आशा है कि यहाँ पर बहुत जोरों में सहयोग प्रस्थापित होगा और एक दिन इस हैदराबाद से ही काफी लोग बाहर जा करके और सहयोग का प्रचार करेंगे। आप सबको अनंत आशीर्वाद। इसके ऊपर हम सीरियल क्यों नहीं बना सकते प्रचार के लिए? अरे बेटा एक बात सुन, सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनता है। सीरियल भी बना लेना, सबको अच्छा वो भी बना लेना तू। लेकिन एक बात है, अब देखो इस हैदराबाद में कितने लोग हैं, उसमें से कितने लोग आए। जिसका नसीब होएगा वही तो आएगा। तुम 17 सीरियल बनाओ नहीं तो कुछ भी, नसीब की बात है, समझने की बात है। अभी सबसे कहा कि भाई पैर मत छुओ, मैं चल रही हूँ, फट से पैर पकड़ोगे तो गिर जाऊंगी, वो तक तो लोग समझते नहीं। फड़ाक से पैर में एकदम पकड़ लिया, मैं गिरने वाली थी। जब इतनी भी समझ नहीं, वो क्या सीरियल के असर में घुसेगा? ये मैं ये कह रही हूँ। अब धीरे धीरे जब आप थोड़े जहाँ लोग जागरूक हो जाए तब आप सीरियल बनाओ तो उसका मजा उठा लेंगे लोग, मजा उठा लेंगे। लेकिन नहीं तो क्रिटिसिज्म पहले शुरू। ये सीरियल अच्छा, खुश रहो, जीते रहो, तुमको अनंत आशीर्वाद है। पर टेलीविजन वाले दिखाए तब हम लेंगे माता। अच्छा देखो, वहां सारे प्रदेश में सारे टेलीविजन पे हमारे भाषण हुए हैं, सिवाय अपने देश में। और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करें। सारी दुनिया में हुए, ऐसा कोई देश नहीं जहां हम गए और उन लोगों ने हमें टेलीविजन पे बड़े आदब से बुलाया। इंग्लैंड में था लेकिन अपने देश में नहीं। तो अब हम लोग, एक बात और भी होती है कि लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। तो आप लोग जो कुछ आपके प्रश्न हैं उसे आप लिख करके, और कृपया कल आप लेते आइएगा, मैं सबके आपको जवाब दे दूंगी। यहाँ रख दीजिए, कल जवाब दे देंगे। कल दीजिएगा, जाने से पहले लिख के रख जाइए, अभी नहीं। प्रश्नों के बारे में एक बात है कि जो प्रश्न पर्सनल है उनकी बात छोड़िए, पर जो और प्रश्न है कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, उसमें ऐसा था, वो गुरु ने ऐसा कहा और फलाने में ऐसा लिखा है और ठिकाने में, क्या भाई लिख के चले गए, वो अब नहीं है। अब मैं बैठी हूं, मुझसे पूछो। जब जिंदा होता है कोई तो उसको कोई नहीं पूछेगा, बाद में उसके मंदिर बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है ना। और जिंदा जो गुरु बैठा रहेगा वो तो कहेगा कि बेटे तू ये क्या कर रहा है, तू जिंदा को नहीं मानना चाहिए। एक खास प्रिंसिपल है इंसान का कि कोई जिंदा हो तो उसको नहीं मानो मरने के बाद, क्योंकि जिंदा हो सकता है कि वो कहे कि भाई ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। उसको जेब में रख सकते हैं तभी होना चाहिए। अब रही बात सवाल जवाब, सो मैं काफी होशियार हूं क्योंकि अब 21 साल से ये धंधा कर रही हूं। और सारे देशों में ये सवाल पूछने की बीमारी है। काफी होशियार हूं मैं, लेकिन मैंने अगर आपका जवाब दे भी दिया तो भी ये न जानिए कि आप पार हो ही जाएंगे, गारंटी होगी। ये एक जीवंत क्रिया है। इससे आप समझिए कि एक छोटा सा बीज है, उसको आपने जमीन में छोड़ दिया तो ये पृथ्वी ने उसको जन्म दे दिया। अब उसके लिए आप कुछ सवाल पूछो, मंत्र पढ़ो, कुछ करो, कुछ नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियस माने सहज होता। और वही बात है सहज, सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। ऐसा ये योग का साधन आप हरेक का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे आप सब प्राप्त करें। और ये कभी मत सोचे कि मुझसे नहीं होगा और मैं कैसे हो सकता हूं। तो अब हम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें इसी क्षण, लेकिन शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। जिनको शुद्ध इच्छा नहीं है उन पर जबरदस्ती नहीं हो सकती। और जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए हो वो कृपया चले जाएं तो अच्छा है, दूसरों को देखना ठीक बात नहीं, शिष्टता के नाते वो चले जाएं। लेकिन जिनको आत्म साक्षात्कार चाहिए वो बैठे, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई भय शंका न रखे। अब इसके लिए आपके ऊपर 3 कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि आपको पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको आत्म साक्षात्कार मिल ही जाएगा। अपने और पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं खराब हूं, मतलब दुनिया भर के लोग पढ़ाते भी रहते हैं, बताते रहते हैं आप पापी हैं, पापी हैं, तुम पाप कर रहे हो, मेरे को पैसे दो, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा। ऐसे भी बहुत से लोग खुद ही पाप कर रहे हैं दूसरों को पैसे लेकर के, वो क्या पाप धोएंगे। कोई पापी नहीं, माँ की नजर में कभी कोई पापी नहीं। हाँ राक्षस है, दुष्ट है, लेकिन कोई पापी नहीं है। तो ये सोचना है कि भटके हुए लोग हैं, अंधेरे में बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं, लेकिन कोई भी संसार में पापी नहीं। तो दूसरी बात है कि मैं दोषी हूं, मैं गिल्टी हूं, ऐसे पहले ही से सोच के बैठोगे तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। यहाँ पर ये चक्र है लेफ्ट साइड में, ये पकड़ जाता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका ये चक्र हमेशा पकड़ता है। और आपको पता है इस चक्र को पकड़ने से कितनी खराब बीमारियां हो जाती हैं। एक तो अंजाइना की बीमारी हो जाती और स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती। और तीसरी जो बात है कि हमारे अंदर जो कुछ भी संस्थाएं कार्य करती है, ऑर्गन्स कार्य करते हैं, वही आलसी हो जाते, लिथार्जिक हो जाते। इसलिए कृपया कोई भी अपने को दोषी न समझे। आपसे मैंने पहले कहा कि आपको अपना गौरव जानना है, आप गौरवशाली हैं, अपने प्रति एक तरह का मान रखना चाहिए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे, न कि अपने को बुरा भला कह करके। तीसरी जो शर्त है वो ये कि आप सबको एक साथ माफ कर दें। आप सब लोग कहेंगे कि सबको माफ करना बहुत कठिन, ये तो बहुत ही कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं, खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि माफ करना कठिन। अब भाई जरा सोचिए, आप माफ करते या नहीं करते, करते क्या हो? कुछ भी नहीं करते। जरा विचार करें, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है कि हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन उसका परिणाम क्या कि हम गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। जिन्होंने हमें सताया, हमें छला, वो तो आराम से कूद रहे हैं और हम अपने को छल रहे हैं कि हम उनको माफ नहीं कर सकते, रात दिन उनको याद कर करके दुख पा रहे हैं। एक साथ सबको माफ करो, ऐसे लोगों को याद भी करने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ आप माफ कर दीजिए, एक साथ। देखिए कितना हल्कापन आ जाएगा सर में। ये तीसरी शर्त। अब आपके लिए एक छोटी सी विनती है मुझे कि ऐसे भी आप जमीन पर बैठे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तो भी जूते उतार लें तो अच्छा रहेगा। पानी। उन्होंने कहा था अंग्रेजी में भी बात करिए। अब अंग्रेजी बोल बोल के मैं थक गई, तो मैंने कहा आज हिंदी में बात करूंगी, आप लोग हिंदी तो समझते हैं। अंग्रेजी में क्या बात करें, अंग्रेजी भाषा तो इतनी गड़बड़ है कि आत्मा को भी स्पिरिट बोलेंगे, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट। अध्यात्म में कैसे अंग्रेजी बोली जाए, मैं कोशिश करती हूँ, पर पहले ही बता देती हूँ इन लोगों से, भैया तुम्हारी भाषा गड़बड़ है। तीन विरोधी चीजों के लिए एक ही शब्द। अब आपको जूते उते उतार लें आराम से। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी जूते उतार के दोनों पैर अलग करें, जो जमीन पर बैठे वो सबसे ठीक है। अब मेरी तीन शर्तें याद रखें, वो भूलनी नहीं। अब सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी ही कुंडलिनी आज जागरूक करेंगे, किस तरह से। आज भी स्पीकिंग हिंदी, सो डॉक्टर साहब सब हिंदी स्पीकिंग आज है। अब ये आपको दिखा देंगे और हम भी आपको बता रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड उसको हमारी ओर करें। अब लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है, पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति। जब आपने ऐसे हाथ कर दिया तो आपने ये कह दिया है कि हमें इच्छा है कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार मिले। इसको पूरी समय ऐसा रखें। और राइट हैंड जो है ये क्रिया शक्ति है, इसी से हम अपने चक्रों को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड हम अपने हृदय पे रखें। मैंने आपसे बताया हृदय में आत्मा का प्रतिबिंब है। उसके बाद हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे। सब काम हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। ये हमारे गुरु का स्थान है। माने बड़े बड़े जो सदगुरु हो गए उन्होंने हमारे लिए ये चक्र बनाया हुआ है और इसकी जागृति से आप अपने गुरु हो जाते हैं। फिर अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यही हाथ ऊपर ले जाएं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें। फिर से हृदय पे रखें। अब ये हाथ अपनी गर्दन और अपना कंधा इसके बीच के कोण के ऊपर रखें, कोण में जहां तक पीछे जा सकता है, और गर्दन को राइट साइड में मोड़ लें। मैंने आपसे अभी बताया कि ये चक्र पकड़ने से क्या बीमारियां हो जाती हैं। अब अपने हाथ को, राइट हैंड को पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने माथे पर रखें, कपाल पर, और पूरी तरह से गर्दन नीचे झुका लें। ये चक्र हमें सबको एक साथ माफ करने के लिए, अब अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में डालें और सर को पीछे की ओर मोड़ दें जहां तक मोड़ सकते हैं। इस जगह अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना चाहिए कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करो। ये बाद में होगा, अभी आप जान लीजिए चक्र इसी कार्य के लिए। अब अपना हाथ पूरी तरह से फैला दीजिए और हथेली के बीच का हिस्सा बराबर आपके सर के तालू के ऊपर रखा जाए और उसे पूरी तरह से दबाने के लिए उंगलियां बाहर की ओर खींच लें, बहुत जरूरी है। तालू पर रखा जाए और उंगलियां बाहर की ओर पूरी तरह खींच लें और सर को पूरी तरह से नीचे झुका लें। अब आप अपने हाथ को पूरा दबाव डाल करके इस तरह से घुमाएं कि आपके सर की जो स्कैल्प है, चमड़ी है, वो घूमेगी घड़ी के कांटे जैसे। उस दिशा से घुमाइए जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, 7 मरतबा। हो गया। इतना ही बस करना। अब आपके पास चश्मा हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंखें बंद करनी है। और पेट पे अगर कुछ चीज तंग हो या गर्दन में, तो उसे भी जरा कम कर लें। और सब लोग इसे करें पूरी तरह से। फिर से मैं कहूंगी कि प्रसन्न चित्त हो जाए। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोले, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें। मुझे आप श्री माताजी कहें या चाहे माँ कहें, आप प्रश्न पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार प्रश्न पूछे। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व को। अब यहां दूसरा प्रश्न मुझसे करें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूं? क्या मैं अपना ही मास्टर हूं? यह सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूं और आप पे मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो शुद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी परमात्मा की शक्ति का, इसलिए आपको यहां कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माताजी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं, वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया। लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं, उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड आप उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें। और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माताजी, मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस मर्तबा 10 बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माताजी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माताजी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहे। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूंगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट न हो जाए। इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहाँ पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माताजी, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूँ कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ, राइट हैंड, अपने माथे पर, अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे ले और अपने सर पीछे की ओर झुका ले। इस जगह अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां ना गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, हे परम चैतन्य हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो जाने अनजाने तो कृपया माफ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें, जो नीचे बैठे हैं वो आराम से बैठे रहें, लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचे बाहर की ओर, इससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूँ और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मांगना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मर्तबा धीरे क्लॉकवाइज माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मर्तबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मर्तबा कहें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड में डॉट करें, राइट हैंड में डॉट करें, लेफ्ट हैंड से देखें, पहले राइट हैंड करें मिरर, अब लेफ्ट हैंड से देखें, राइट हैंड मेरे और करें, लेफ्ट हैंड से देखें, आ रही? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे, अब गर्दन झुका के देखिए राइट हैंड से, आ रही क्या? देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। पूरा हैदराबाद ही पार हो गया। सबको आपको नमस्कार, सब संतों को नमस्कार, अनंत आशीर्वाद है। मेरे और ठंडी हवा आ रही, देखो बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन ठंडी हवा आ रही तुम लोगों से। बड़े संत साधु बैठे हैं हैदराबाद में। अनंत आशीर्वाद है सबको, अनंत आशीर्वाद है। कल सब लोग आए और सब अपने रिश्तेदारों को बुलाए, इससे बढ़ के और कोई चीज देने की नहीं दुनिया में। और अब मौज से घर पे जाएं, इस पे तर्क वितर्क न करें, तर्क वितर्क की बात नहीं है। मन से परे, बुद्धि से परे। जैसे ही आप इस पे शंका कुशंका करेंगे, आपके हाथ के छूट जाएंगे। निर्विचार में सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब पैर छूने की बात नहीं करना, अपने यहाँ बीमारी है सबको पैर छूने की। मिनिस्टर लोगों के पैर छूते रहते, इसके पैर छूते रहते, दुनिया भर के पैर छूते रहते। नहीं, अब बात यह है कि पैर छूने में जब तुमको मैं कुछ खास दे दूंगी तब पैर छूना, ऐसे क्यों छू रहे हो पैर? जब तुम निर्विकल्प में हो जाओगे तब पैर छूना। अभी तो शुरुआत हुई है बेटे, समझ गए ना? सो खुश रहो।